ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा स्टेट ऑफ द मैटर। अगर हम थोड़ी सी रिकॉलिंग करें और 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स पे जाएं, जहाँ पे हमने मैटर को समझा था और उसके स्टेट को भी समझा था, थोड़ा सा उसे रिकॉलिंग करते हुए तब चैप्टर को आगे बढ़ाती हूँ। स्टेट मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर जो है नॉर्मली इस कंडीशन में हम देखते हैं कि वैसे तो 5 टाइप का होता है, लेकिन मेनली जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर की बात करेंगे। हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो अगर आप एक डायग्रामेटिकली देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, आयन, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो बिल्कुल ही दूर होते हैं। तो आई थिंक मैंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आयन्स या पार्टिकल्स बनाए हैं तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो क्या होगा मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस का, उनकी फोर्स का, ठीक है ना। तो अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, पास का मतलब है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर डिस्टेंस कम है, सपोज करिए दो बच्चों के बैठने की सीट है और उस पर चार बच्चे बैठ जाएं तो एक दूसरे से सट जाते हैं। जब सट जाते हैं तो उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड रिजिड का मतलब ठोस होता है ना। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स केवल ऑसिलेशन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इसी वजह से इनका वॉल्यूम और इनकी शेप दोनों डेफिनेट होती हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, क्योंकि गैप जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड से। यही रीजन है कि हम एक जो डाइवर है उसकी जो नॉक होती है उसको इस शेप में बनाते हैं। आपने देखा होगा शिप है, कुछ भी चीज है, वो इस शेप में होते हैं, नुकीले शेप में होते हैं। फिश है वो भी इसी शेप में होती है। क्यों? जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके मूवमेंट कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है ना। अगर ये आपने डाइवर है, शिप है, फिश है, सबकी जो शेप है वो इसी तरीके से बनाई जाती है कि इनकी शेप जो होती है वो थोड़ी नुकीली बनाते हैं आगे से, ताकि मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि ऑलरेडी उनमें गैप है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन को ब्रेक करके इसलिए मूवमेंट कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो गैप बहुत ज्यादा है। गैप ज्यादा होता है, अगर बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलते नहीं हैं तो हम उनकी शक्ल भी भूल जाते हैं। तो यही है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल मूवमेंट में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग अपना अपना मूवमेंट करते रहते हैं। यही रीजन है कि गैस मॉलिक्यूल्स की ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, दोनों इनडेफिनेट होते हैं। जबकि लिक्विड में जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है लेकिन शेप इनडेफिनेट होती है, और जो सॉलिड है वहां पर शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होते हैं। तो आई थिंक ये आपने डाइंस का थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉलिंग किया। अब हम जो बात करेंगे अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, टॉपिक नंबर फर्स्ट। ये हमने केवल एक रिकॉलिंग किया था कि इस तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे। ये आपके केवल
ट्वेल्थ में पढ़ना है आपको ये पढ़ना ही नहीं है, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़ना है, उसमें से भी जो टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं बोर्ड के थ्रू वो उन टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट अभी बताए थे। तो टॉपिक है हमारा फर्स्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब फोर्स, अब मुझे बताइए आप स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, क्या होती है इंटरमॉलिकुलर फोर्स? अभी हमने बात करी है पहले, तो बताइए आप मुझे व्हाट इज द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, बताइए। दैट फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है, अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग फोर्स, जो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके बीच का जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फॉर्म है वही आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है ना। अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, वो सब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से ही होता है। जो इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं या आयन्स होते हैं, सबके बीच में फोर्सेस जरूर वर्क करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, द फोर्सेज forces between the molecules of a substance is known the intermolecular forces. यहाँ पर हम बहुत सारे intermolecular forces की बात करेंगे, तो common जो हमारे course में है chapter 5 में है वो 3 intermolecular forces हैं। First one is London forces या dispersion forces. तो first हमारे intermolecular forces कौन सा है? London forces, ठीक है ना, लंदन फोर्सेस है। दूसरा हमारा क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। और थर्ड है हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो सेकंड हमारा क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और थर्ड हमारा फोर्स कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है बेटा, फर्स्ट हम बात करेंगे लंदन फोर्सेस की या डिस्पर्शन फोर्सेस की। तो फर्स्ट फोर्सेस इज द लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्स, लंदन ने इनको गिवन आउट किया था इस टाइप के फोर्सेस को, इसलिए उन्हीं के नाम पे इनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। जो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस है वो मोनो एटॉमिक या सेम टाइप ऑफ द सब्सटेंस के बीच में वर्क करते हैं। जैसे कि हमारा सेम टाइप या मोनो एटॉमिक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्कआउट करेगा फोर्सेस। कैसा? नॉन पोलर सब्सटेंस के बीच में या मोनो एटॉमिक के बीच में होगा। नॉन पोलर का मतलब आप समझते हैं, नॉन पोलर का क्या मीन्स है? जहां पे पोलैरिटी डेवलप नहीं है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कि डाइपोल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर कैसे फोर्सेस पे लगाएंगे? तो इसका मतलब जो हमारी लंदन या डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस अमंग द मोनो एटॉमिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये भी फोर्सेस हैं, दीज आर द फोर्सेस अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस। Atom and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment. You know very well, कि अगर हम बात करें H2 की, तो H और H एक दूसरे से connected है, same है, तो क्या वहाँ पे dipole moment clear हो सकता है? वहाँ पे तो charge particle नहीं है, क्योंकि हम हमें क्या पता हमें किस पे लगाना है। अगर हम बात करते HCl की तो हम तो समझ जाते कि यहाँ तो polarity बहुत जल्दी develop हो जाएगी। यहाँ तो हमें पता है Cl is more electronegative, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ सरका ही लेगा वो, तो बात कर रहे हैं ना। लेकिन जो लंदन फोर्सेस होती है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्कआउट करती हैं, जहां पर कोई भी चार्ज पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दोनों एच जो है वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है, इसलिए उनके बीच पर कोई भी चार्ज नहीं है।
ठीक है, लेकिन हम एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल यहाँ पर डेवलप करते हैं उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि हमने कोई तत्काल, मतलब बहुत जल्दी से एक इफेक्ट लगाया, एक फोर्स लगाई, और उस फोर्स ने आके यहाँ पर इन दोनों को चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो दीज इंस्टेंटेनियस फोर्स इज नोन एज द लंदन फोर्स। क्लियर हुआ बेटा? दोनों सेम पार्टिकल हैं, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, हमने एक ऐसा फोर्स वहां पर आकर लगाया कि उसने क्या करा, एक एटम को डाइपोल कर दिया, तो दूसरा एटम भी उसके कॉन्टेक्ट में आकर अपने आप क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से उनके बीच में फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरीके के फोर्सेस को कहते हैं हम लंदन फोर्स। क्लियर हुआ सबको या कोई परेशानी है? हमें मॉलिक्यूल को, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हमें उनको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक ऐसा फोर्स वहां डालना है, और वो भी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब फोर्स समझते हो, जो एक फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है केवल उन मॉलिक्यूल्स को चार्ज करने के लिए, उनको डाइपोल में कन्वर्ट करने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। या कोई क्वेरी है बेटा तो पूछिए। ये केवल समझिए आप गर्ल्स, क्लियर है? आगे बढ़ो। यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया? तो इसको आप ठीक से पढ़िए, और अगर कोई क्वेरी आती है तो मुझसे पूछिएगा, है? अब हम दूसरे फोर्स की बात करते हैं, दैट इज द डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बारे में बताया, तो डाइपोल का क्या मतलब है? डाइपोल, डाइपोल का क्या मतलब है? ऑलरेडी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में पहले से ही चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। ये हमारे नॉन पोलर थे, जबकि ये जो फोर्स है डाइपोल, डाइपोल फोर्स जो है वो वर्क करता है उन स्पेसेस के बीच में जो ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अब पहले से ही चार्ज पार्टिकल है उनके बीच पे फोर्सेस है, विच इज नोन एज द डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। लेकिन कुछ कंडीशन है, जो कंडीशंस आपको याद रखनी है कि इन कंडीशंस के बेस पर ये डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस वर्कआउट करेगा। पहला आपका कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, और ओरिएंटेशन कैसा है उस मॉलिक्यूल्स का। तो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा फोर्स जो कि डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस होगा, है ना। तो डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस कहाँ वर्कआउट करता है? जो स्पेसेस, जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल है, तो उनके बीच में कौन सा वर्क कर रहा है फोर्सेस, किस किस तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज नोन एज द डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। तो आपको डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस वर्कआउट कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन वहां पे लगाने पड़ेंगे ताकि वो वर्कआउट, वो फोर्स रेगुलर बना रहे। ठीक है बेटा, तो ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का किस तरीके का है, और उनके बीच में गैप कितना है, किस तरीके का डिस्टेंस वहां पे हमें रखना है ताकि मॉलिक्यूल्स के बीच में पर्टिकुलर फोर्स अट्रैक्ट होता रहे, काम करता रहे। तो इस तरीके का फोर्स हमारा डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्सेस है हम उसके बारे में कल आपको क्या करेंगे, बताएंगे।